तो हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, और सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने कुछ जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि भाई सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमें चार किस्म के सोल्यूशन दे रहे होते हैं। ये कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं जो स्क्रीन के अंदर चल रहे होते हैं, ये हमें सोल्यूशन देते हैं हमारी प्रॉब्लम का, ताकि हम जब भी कोई कंप्यूटर से काम लेना चाहते हैं तो वो हम ईज़ीली इससे ले सकें, और ये हमें उस काम को करने के लिए अलाउ करते हैं। सॉफ्टवेयर स्पेस प्रोवाइड करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चलने के लिए, और सॉफ्टवेयर ही हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं। फिर हमने जाना कि सॉफ्टवेयर के डिफरेंट नाम हैं। सॉफ्टवेयर के डिफरेंट नाम जो हैं वो कहलाते हैं प्रोग्राम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, एप्स, सॉफ्ट कॉपी, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर के नाम हैं। फिर हम आगे चले तो हमने जाना कि सॉफ्टवेयर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। फिर हमने आगे जाना तो हमें पता चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मेजर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर से मिलकर बन रहा होता है, और यही हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल बनाता है, और यही हमारे दीगर सॉफ्टवेयर्स को या हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है ना। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है एक मशीन और इंसान के दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट करने का। इसी तरह से जब हम आगे बढ़े तो फिर हमें पता चला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी फर्दर टाइप्स होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ड्राइवर्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, वायरस होता है, एंटीवायरस होता है, ये सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो फिर हमने कल पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की सुप्रीम टाइप है, और यही हमारे हार्डवेयर को फंक्शनल करता है, और यही हमारे इंसान और मशीन के दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट करता है और प्रोवाइड करता है दूसरे सॉफ्टवेयर को स्पेस। जिसमें हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया में मुख्तलिफ कंपनीज़ ने लॉन्च किए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज़ को लॉन्च किया है, एप्पल कंपनी ने iOS को लॉन्च किया है, गूगल कंपनी ने एंड्रॉइड को लॉन्च किया है, ड्रॉइड एप्पल कंपनी ने मैकिंटोश को लॉन्च किया है, लिनक्स और यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं जो अब तक दुनिया में लॉन्च हो चुके हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है यूनिक्स को, जो कि दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करें इसी चीज़ को फर्दर आगे लेके चलें, तो हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे या सीख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, जो दुनिया में मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, जो कि दुनिया का एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को बनाया है। विंडोज़ इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, यानी कि इनके प्रोडक्ट का नाम है, और माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी का नाम है जिसने विंडोज़ को बनाया, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हमने फिर आगे देखा कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के कितने वर्जन अब तक मार्केट में आ चुके हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट डाउन तो किए हैं, और अगर फर्दर हमें इसके ऊपर रिसर्च करना है तो आप यहाँ से इसको गूगल कर सकते हैं। गूगल करने के लिए ईजीएस्ट वे ये है कि आप यहाँ से गूगल लिखिए, और जैसे ही गूगल खोलेंगे और उसमें जाके आप यहाँ पे जाके लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिस्ट। तो जैसे ही आप यहाँ लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपको एक बाय आइकॉन्स उनकी लिस्ट भी दे देगा कि बता रहा है 2000 विस्टा सर्वर, विंडोज़ एनटी, विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ 2.0, 3.1। फर्दर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उनके बारे में बताएगा कि ये कब रिलीज़ हुए थे। यहाँ से आप पूरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं 98.11, और यहाँ से क्लिक करके लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन्स पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पे एक पूरा चार्ट आपको बना बनाया मिल जाएगा, जिसमें बता रहा है कि विंडोज़ 1.001 इंटरफेस मैनेजर 1985-11-20, मतलब 20 नवंबर 1985 को रिलीज़ हुआ था, जो इसका वर्जन 1 था, और इसका एडिशंस वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसी तरह सबसे नीचे आएंगे तो आपको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ला
तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो सबसे लेटेस्ट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 11 है, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि विंडोज़ क्या है और इसको किसने डिज़ाइन किया और उसके कितने वर्जन हैं। अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो इसके कंपेटिटिव भी मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, जिसमें लिनक्स और एप्पल, IBM, यूबंटू, यूनिक्स, एंड्रॉयड, ये भी दीगर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो इस टाइम मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, और ये इसके कंपेटिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनको भी हम मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा विंडोज़ यू पॉपुलर है कि ये बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें फिर हम कर पाते हैं आसानी से, एज़ कम्पेयर टू इनके विंडोज़ के लिनक्स, एंड्रॉयड, ब्लैकबेरी, OS2, MS-DOS, ये थोड़े से मुश्किल हैं और इतने पॉपुलर भी नहीं हैं जिनको हम इजीली सीख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने कल बात की थी ड्राइवर्स के बारे में कि ड्राइवर्स क्या होते हैं। ड्राइवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करते हैं और हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं, जिसमें मैंने मुख्तलिफ आपको एग्जांपल दी थी प्रिंटर्स की, स्कैनर्स की, कि ये इस तरह के हार्डवेयर होते हैं जिनको चलाने के लिए हमें फर्दर यूज़ करने पड़ते हैं उनके प्रोग्राम्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, जिसके बाद वो हमारे विंडोज़ के साथ जुड़ के काम कर पाते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स, हर हार्डवेयर का अलग एक ड्राइवर होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ब्लूटूथ, वाईफाई, लैन, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, जॉयस्टिक एंड ऑल अदर डिवाइसेस रिक्वायर्ड दिस प्रॉपर ड्राइवर्स टू वर्क विद हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनको हार्ड ने अपने प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, अगर वो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में अगर उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे तो फिर वो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़कर काम नहीं करेगा, तो ये आपको जहन में रखना है। तो ड्राइवर्स के बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में वायरस। तो ये देखिए VIRUS वायरस एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, और ये सॉफ्टवेयर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, चाहे आप खुद इंस्टॉल करें या धोखे से इंस्टॉल करा दीजिए। तो अगर वायरस का एक्रोनियम मालूम करें तो आपको पता चलेगा VIRUS वायरस, ACR एक्रोनियम। ठीक है, तो जैसे क्लिक करते हैं तो पता चलता है वायरल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, तो ये इसका पूरा एक एब्रीवेशन है। तो वायरस जो होता है बेसिकली ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए बनाया जाता है। इट माइट बी करप्ट योर प्रोग्राम, इट माइट बी करप्ट योर हार्डवेयर, मतलब ये आपके मोबाइल, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट LED, किसी भी डिवाइस जिसमें सॉफ्टवेयर की इंटरफेरेंस है, मतलब हम इंजन की तो बात नहीं करते कि उसमें कोई सॉफ्टवेयर वाला वायरस इंजेक्ट किया जाएगा, लेकिन हाँ जो भी ऐसी डिवाइसेस जिनमें सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं उनमें अगर वायरस को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो उसको ख़राब कर सकता है, क्रैक कर सकता है डेटा को और मशीन को भी जला सकता है। तो ये जो वायरस होता है ये कोई अलग से पैदा नहीं होता, ना ही ये कंप्यूटर खुद जनरेट करता है, ये भी सॉफ्टवेयर होता है, बस इस सॉफ्टवेयर का नाम वायरस रखा हुआ है। जैसे विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस सॉफ्टवेयर का नाम ऑपरेटिंग सिस्टम रख दिया, ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है उनका नाम ड्राइवर रख दिया, लेकिन वो हार्डवेयर को जो है उसको मैनेज कर रहे होते हैं। इस तरह वायरस भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको बनाया जाता है बाकायदा अपने राइवल कंपनीज़ के लिए, राइवल सॉफ्टवेयर्स के लिए, दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए भी बनाया जाता है, और समहाउ इसको पैसे कमाने के लिए भी बनाया जाता है। इसमें हम इंस्टॉल क्यों करते हैं? देखिए, हम इंस्टॉल नहीं करते वायरस को अपने कंप्यूटर में, ये जहन में रखिए। कोई भी अपने कंप्यूटर को या 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर को ख़राब करने के लिए वायरस को खुद इंस्टॉल नहीं करेगा। अब होता यूँ है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज जिनके एनालिसिस मैंने आपको दिए, अब इनके एनालिसिस क्या थे, देखिए ये सब कंपनीज़ क्या करती हैं, सॉफ्टवेयर बेचती हैं, ये भी बेच रही है, ये भी बेच रही है, ये भी बेच रही है, और उसके ख़रीदार हैं हम, यानी कि यूज़र। अब यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को उस सूरत में ख़रीदता है, यूज़र की अपनी साइकी है। कुछ लोग कम पैसों की वजह से ख़रीदते हैं, कुछ लोग उसके इंटरफेस अच्छा होने की वजह से ख़रीदते हैं, कुछ लोग उनके फीचर्स की वजह से ज़्यादा ख़रीदते हैं,
तो ये बात है। अब यूज़र तो गिनती के वही हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, कंपनियाँ 10 हैं, तो कोई कंपनी नई जब आती है तो वो दूसरी कंपनी को कैसे बीट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एनालिसिस लें कि लिनक्स, इस टाइम आपको नहीं पता लेकिन लिनक्स का प्रोडक्ट इतना बिग भी नहीं रहा। अब लिनक्स चाहता है कि मैं विंडोज़ की जगह ले लूँ, तो लिनक्स को वो स्टेप्स लेने होंगे जो विंडोज़ ने लिए। अब पहला, सबसे पहला स्टॉप लिनक्स जो है विंडोज़ वाले स्टेप तो ले नहीं सकता, क्योंकि अगर इसने सेम वही चीज़ बना दी तो कॉपीराइट का इशू आ जाएगा और इसका प्रोडक्ट बैंड हो जाएगा। तो लिनक्स क्या करेगा, अपनी प्रोडक्ट की तो पब्लिसिटी करेगा सो करेगा, उसको तो बेहतर बनाएगा सो बनाएगा, लेकिन विंडोज़ के यूज़र को ख़राब करना शुरू करेगा, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस डालेगा, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम को करप्ट करेगा, जिससे लोग इससे बेजार होंगे, इनको कंप्लेन करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इनकी पूरी टीम उस वायरस को रिमूव करने के लिए फर्दर सोल्यूशन देगी, वो सोल्यूशन इतने जल्दी इफेक्टिव नहीं होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो वो जब एक यूज़र किसी से बिगड़ता है तो वो दूसरा सॉफ्टवेयर को तलाश करेगा, उस सूरत में लिनक्स अपना प्रचार करेंगे और अपना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर देंगे। इसके अलावा दूसरा एनालिसिस वायरस का ये हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके लैपटॉप से, कंप्यूटर से मुझे कुछ डेटा को स्टील करना है, हैक करना है, चोरी करना है, तो उसके लिए भी मैं मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कोड करूँगा और वायरस क्रिएट करूँगा। फिर किसी पेन ड्राइव से, इंटरनेट से, या किसी फ्री ऐप के ज़रिए या वीडियो कॉल के ज़रिए मैं वो आपको आपके मोबाइल में किसी तरह आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करवाऊँगा। इंस्टॉल करवाना पड़ता है, इंस्टॉल किए बगैर वायरस काम नहीं कर सकता। वायरस कोई मिसाइल नहीं कि हम दूर से बैठ के फेंकेंगे तो वो आपके कंप्यूटर को आके हिट करेगा और उड़ा के रख देगा। वायरस को आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल करना पड़ता है। अब वो किस तरह इंस्टॉल करते हैं, पेन ड्राइव के ज़रिए, यूएसबी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में डालेंगे, चैटिंग के ज़रिए कोई आपको ऐसी फाइल भेज देंगे उल्टी सीधी मूवीज़ वगैरह की, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। तीसरा, कोई फ्री सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन आपको देंगे ऑफ़र के, बाबा ये इंस्टॉल कर लो और आप जो है ना इस पर इतने डॉलर कमा सकते हो। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे, आपको तो पता ही नहीं, आप तो एंड यूज़र हैं, आप तो टेक्निकल पर्सन है ही नहीं, तो आपके कंप्यूटर में जब इंस्टॉल हो जाएगा तो जिस हैकर ने उस वायरस को बनाया है उसको उसके पास उसका टूल मिल जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और वो आपके डेटा को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है, हैक कर सकता है। सिमिलरली आजकल जो वॉर्स के भी मामला चल रहे हैं, जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आप जो महंगे ख़रीदते हैं उसकी वजूहत ये होती है, वो इस बात की गारंटी देती है कि वो आप उनके सॉफ्टवेयर को कोई भी वायरस इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अगर इन्फेक्ट हो भी गया तो वो आपको इसकी रिटर्न करेंगे और आपके डेटा को बचा के देंगे। बड़े बड़े बैंक्स पे और स्टेट बैंक्स और नादरा ऑफिस जितने और जो भी इससे भी बड़े इदारे हैं, वो बेहतरीन किस्म के सॉफ्टवेयर और उनकी वो प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं ताकि वायरसेस से बचाया जा सके, क्योंकि वायरस बहुत ही क्रूशल सॉफ्टवेयर है। अगर ये एक दफ़ा आपका डेटा स्टिल हो गया, सिस्टम हैक हो गया, तो बड़ी बड़ी हुकूमतें भी गिर सकती हैं। देयरफॉर ये बहुत ज़्यादा हाईली और रिस्की काम है, लेकिन ये याद रखें कि ये कोई खुद फेल था नहीं है, ये सॉफ्टवेयर हैं और इनको बकायदा कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं और उसके बाद ही ये काम करेगा। तो ये सॉफ्टवेयर को भी करप्ट करता है, डेटा को भी करप्ट करता है, और इसके साथ हमारे हार्डवेयर को भी ख़राब कर देता है। ठीक है, तो वायरस के बाद आगे आ जाते हैं हम, उसके बाद हमारे पास जो कॉमन मैंने वायरस के नेम लिखे, 2-3 लिखे मैंने, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब्स। अगर आपको मज़ीद वायरस की डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं वायरस लिस्ट, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, वायरस तो फिर मेडिकल के भी आ जाएंगे, कंप्यूटर वायरस लिस्ट विथ लिस्ट इन हिंदी उर्दू वगैरह जो भी है वो ऐसे इंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे देगा। जैसे कॉपी लोकर वायरस भी है, कॉन्फ्लिकर भी है, माई डूम भी है, आई लव यू के नाम से भी वायरस है, एसक्यूएल स्लैमर के नाम से इनके आइकन्स भी दे रखे हैं, बकायदा ऐप्स हैं। और अगर आप इसको चैट जीपीटी से सर्च करवाएंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और मैंने यहाँ चैट जीपीटी को लॉन्च किया हुआ है और मैं इसको कहता हूँ चैट जीपीटी, क्लिक करें यहाँ से, और जैसे ही लोड हो जाता है तो मुझे कंप्यूटर मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर वायरस की लिस्ट दे दें। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक मोस्ट कॉमन कंप्यूटर वायरस लिस्ट एंड देयर डिस्क्रिप्शन, विद देयर डिस्क्रिप्शन लिख दें, लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन, तो ये मुझे बताएगा कि उनके बारे में। और ये अभी मुझे देखे बता रहा है कि आई लव यू नाम का जो वायरस था इसका काम क्या था, ये 2000 में रिलीज़ हुआ था, ये वॉर्म डेड स्प्रेड विया ईमेल और ईमेल के ज़रिए जाता था, जिसमें ईमेल में सब्जेक्ट लाइन आई लव यू लिखी होती थी, इट अपीयर्ड और फिर ये अपीयर हो जाता था टू बी अ लव लेटर कंटेन अ मलिशियस अटैचमेंट, और फिर इसका काम ये होता था व्हेन ओपन इट द अदर ओवरराइट फाइल्स सेंड इटसेल्फ ऑल कॉन्टैक्ट टू विक्टम्स एड्रेस बुक, यानी कि आपके मोबाइल के और लैपटॉप के कॉन्टैक्ट सारे के सारे सेंड कर देता था। तो ये इसका अटैक था। मलिसा के नाम से एक वायरस था, डिस्क्रिप्शन थी मलिसा इज़ अ मैक्रो वायरस डेट वॉज स्प्रेड थ्रू ईमेल, ये भी ईमेल के जरिए भेजा गया। अच्छा, ये ईमेल के जरिए उस वक्त क्यों भेजे जा रहे थे, 2000 में व्हाट्सअप वगैरह नहीं था,
तो इसलिए ये काम हो रहा था। अब थोड़ा लेटेस्ट वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं 2007 और 2010 में। अब यहाँ पे जियोस इज अ ट्रोजन हॉर्स वायरस जियोस के नाम से था, जियोस किसी इनके देवता का नाम भी है। डेट प्राइमली टारगेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बाई स्टीलिंग लॉग इन क्रेडेंशियल फ्रॉम द ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स। ये वेबसाइट्स पे से जाके उनके आईडी पासवर्ड्स को कॉपी करके सेंड करता है। वाट्स नोन इज स्टीथी बिहेवियर एंड एबिलिटी टू इविडेट इवेंट डिटेक्शन। और फिर 2010 के बाद अभी जो 2014 में उससे लेटेस्ट ऑनलाइन बैंकिंग ट्रेजेंस आया, इमोट इवॉल्व एंड इन मेजर मेलवेयर डिसेप्शन बाय लोडर में, ये भी कुछ इस तरह का ही काम कर रहा था। और अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। तो मैंने कॉमन लिखी है, अब आप इस पर एक और ऐड कर दें, लिस्ट द मॉडर्न एंड लेटेस्ट कंप्यूटर वायरस विद डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको और ज़्यादा लेटेस्ट और मॉडर्न जो भी रिसेंटली एज ऑफ 2024 के हैं हिसाब से, तो रैनसम वेयर एंड सर्विस रेस वेरिएंट 2020, ये भी लेटेस्ट है। मॉडर्न रैनसम अटैक एंड इंस्पायरली ऑफर्ड एज अ सर्विस अलाउइंग इवन लेस टेक्निकल स्किल्ड क्रिमिनल्स टू डिप्लॉय रैनसम वेयर एक्सप्लेन इंक्लूड लॉकबिट 3.0 एंड क्लॉप द वेरिएशन ऑफ एन एंड एडवांस इंक्रिप्शन टेक्निक्स एंड कैन टारगेट वेरिजन वेरियस सेक्टर्स डिमांडिंग हेफ्टी रैनसम इन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी को भी हैक करने के लिए, उसकी इंक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करने के लिए बनाया गया। ईएम टॉन्ट रिवाइव्ड इवॉल्विंग 2024। अब ये देखें, और भी वायरसेस के बारे में बताया गया है जो इस टाइम आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनको पढ़ें, इनको समझें और इनसे बचने की कोशिश करें ताकि आप भी हैक ना हो सकें। तो बहरहाल देखें, कंप्यूटर की दुनिया में जिस तरह एक पॉजिटिव साइड है, इस तरह की डार्क साइड भी है, आपने इसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो कंप्यूटर वायरस के बाद जो हमारे पास अगला टॉपिक आ गया है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस आ गया। व्हाट इज़ एंटीवायरस? भाई एंटीवायरस क्या होता है? जो वायरस से हमें प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन देगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। जैसे एंटीवायरस इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके कंप्यूटर में वायरस को प्रिवेंट करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, एंड इट इज़ यूज फॉर वायरस प्रिवेंटेशन। लेकिन ये वायरस से रोकथाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, रिमूव कुछ हद तक कर पाते हैं, लेकिन एक दफ़ा जब करप्ट हो गया तो फिर वापस से रिट्रीवल मुश्किल है। तो बहुत सारी जो इफ़ेक्टिव कंपनीज़ हैं जिसमें मैकफी एंटीवायरस, ये कंपनी जो एंटीवायरस बनाती है, सेमेंटिक, नॉर्टन, अवेस्ट प्रो, बिटफेंडर, कैस्पर एंटीवायरस और अवेरा एंटीवायरस, वेब रूट एंड सिक्योर एंटीवायरस, एमरे इमसिस सॉफ्ट है, इसके अलावा क्विक हील एंटीवायरस है, ई सेट नॉट 32 एंटीवायरस हैं, और ये इनके आइकन्स हैं। तो अगर आप एक सिनारियो में यूं भी देखें तो ये एक बिज़नेस भी है। देखें, एक कंपनी ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो वायरस बना के मार्केट में लॉन्च कर दें और फिर उसी का क्योर बेच दें, और इस तरह से वो अपना एंटीवायरस भी बेच सकते हैं, और ये कोई फ्री में नहीं मिलते, इनके पैसे हैं। अगर आप यहाँ पे गूगल पर ही यहाँ पे लिस्ट कर लें कि लिस्ट डाउन द लेटेस्ट एंटीवायरस विद देयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विद प्राइस, तो जैसे इंटर करेंगे तो ये आपको यहाँ बताएगा द बेस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर 2024। इसकी प्राइस देख लेंगे $49.55, ठीक है, जो 5 डिवाइसेस पर इंस्टॉल हो सकता है, एक साल के लिए इसका आपके पास लाइसेंस होगा। फिर और भी इन्होंने दिए गए हैं, $29 में है, और सी नेट का है वो $90 का है, $180 पर ईयर है। तो देखें कितना इसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, हम तो इनको शायद ख़रीद भी नहीं पा रहे, लेकिन ये सारे बिजनेस हैं जिससे आपको पता होना चाहिए। तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ रहा होता है। थोड़ा सा क्लिक हो गया था तो वो स्क्रीन ऑफ हो गया था, दोबारा से अवेल हो गया। तो यहाँ पर हम चलते हैं, फिर एंटीवायरस के बाद हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। इसको मैं ज़रा अलग से आपको कंक्लूड करूँगा कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक टॉपिक आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जब बात आती है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इज़ अ काइंड ऑफ या इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप होती है और ये भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं।
इट इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर। पर ये सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल होते हैं? दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू क्रिएट डिफ अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स बनाना चाहते हैं तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनका फ्यूचर क्या है और इन्हें क्या सीखना चाहिए और क्या हम इसमें कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, और यहाँ पर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें आजकल बहुत ज़्यादा इन हैं C, C++ और इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हम आगे बात कर लेते हैं आजकल पाइथन बहुत ज़्यादा आ गया है आज मशीन लर्निंग के हवाले से, और जावास्क्रिप्ट हैं, ओके, ओके, अब आ रही है आवाज़ सबको? अब आवाज़ सबको आ रही है? चलें बता दें चैट पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये इसी तरीके से काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं, और ये भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ और नहीं होते, पर ये सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल होते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। मतलब अब तक जिन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, वायरस बनाना है तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ड्राइवर बनाना है तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एंटीवायरस बनाना है तो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही बनाना है तो भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, एडोब फोटोशॉप, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग के जितने सॉफ्टवेयर हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हैं, उन सबको सीखने बनाने के लिए कि कैसे बनती हैं आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, और ये है फ्यूचर का बेसिक रूट, और यही फ्यूचर है आपका। आप सारी प्रोग्रामिंग लाना सीखें, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के एक्सपर्ट हो जाएं, किसी भी एक किस्म का सॉफ्टवेयर बनाना सीख लें, तो आपका फ्यूचर इसमें ब्राइट हो सकता है, और यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फ्यूचर होता है। एक सॉफ्टवेयर जो उसको पूरी ज़िंदगी बिठा के कमा सकता है, खिला सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज़, एप्पल कंपनी का iOS अब तक खिला रहा है और आगे भी खिलाता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए। तो मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम लिखे, इसके अलावा और भी हैं, HTML हैं, CSS हैं, जावास्क्रिप्ट का मैं जिक्र कर दिया है, पाइथन का कर दिया है, कुछ ओल्ड हो गई हैं, PHP हैं, ओरेकल है, SQL है, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं, जो आप उनमें से किसी भी एक को सीख कर या कुछ को थोड़ा थोड़ा सबको पढ़ कर किसी भी एक में एक्सपर्ट हो जाएं तो आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी मामला है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तमाम सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। सी और सी प्लस प्लस में जो कोड कर सकते हैं वो हम माइट बी के ओरेकल में ना कर सकते हों, और जो ओरेकल का कोड कर सकते हैं वो हम CSS में नहीं कर सकते, HTML में जो कोड कर सकते हैं वो पाइथन में नहीं कर सकते। यानी कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग अलग मसलों के लिए डिफ़ाइन किया गया है। फिलहाल क्योंकि ये आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है तो आपको मुझे बताना था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हैं और प्रोग्रामिंग आ जाती है तो आप सॉफ्टवेयर बना के अपने लिए बेहतरीन करियर के साथ साथ एक अच्छा रोज़गार भी कर सकते हैं। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक लैंग्वेज के बारे में कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, कौन सी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज़ होती है, किस कौन मशीन लर्निंग में यूज़ होती है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होती है। तो इन सारी लैंग्वेजेस को आपको बताया जाएगा, बाकायदा सिखाया जाएगा। तो फॉर फर्दर नाउ कि हमने जो टॉपिक लिया था अपना सिस्टम इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, तो उसमें हमने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया और कोशिश करी कि आपको पता चले कि ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, और आप जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में रह रहे हैं तो उसमें आपको पता चलो। हमने सीखा सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, वायरसेस के बारे में, एंटीवायरस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने करी और हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, तो भी आपको मैंने ChatGPT के बारे में बताया है। यू लिख सकते हैं लिस्ट डाउन द नेम ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डिस्क्रिप्शन एंड इंडस्ट्री एज, ठीक है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको पाइथन सबसे टॉप पे मिल रहा है क्योंकि इस टाइम हॉट चल रहा है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सेकंड नंबर पे बिल्कुल सही जा रहा है, जावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, सी प्लस प्लस,
और दीगर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सी शार्प भी वेब डेवलपमेंट के अंदर, रूबी इतना इन नहीं है, स्विफ्ट इतना नहीं है, ये स्विफ्ट हाँ एप्पल आईओएस की एप्लीकेशन, रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑल दो हम वी आर ह्यूमन, हम ये सब नहीं सीख सकते, पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, किस काम के लिए हैं, क्या हैं, ताकि आप फर्दर आगे जो हैं इसके लिए डिसीजन ले सकें और अपना करियर ब्राइट बना सकें। मुश्किल हैं ये, मुश्किल हैं, लेकिन इसी में फ्यूचर है। अगर आप इसमें से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें इसी में तो डेवलप हो रही हैं, वायरस, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यही तो वो रूट कॉज हैं जिसमें से बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, और कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज में वो सवाल पूछ लें, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कोई सवाल पूछना है तो चैट बॉक्स में भी अभी पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर दूँ।